लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनैतिक मंतव्य है। कोरोना सबकी छीछा लेदर किए पड़ा है। अच्छे खासे लाखों में खेलने वाले गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मतलब एकदम कलयुग है कलयुग। औरों की क्या बात करें, इसने तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे इनोवा से चल रहे प्रोफेसरों तक को नहीं छोड़ा। अभी अपने यूपी के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के छोटे भैया को ही ले लीजिए, पता चला है कि वो भी गरीबी रेखा के नीचे ही चल रहे हैं। गरीब हैं लेकिन टैलेंट कूट कूट के भरा है इनमें। सिद्धार्थ नगर की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में गरीब कोटे की एक लौती सीट पर कब्जा किए हैं। वैसे ये मंत्री जी वही हैं जो खुलासा किए थे कि चुनाव ड्यूटी में सिर्फ 3 है शिक्षक की मौत हुई थी। आपदा में अवसर केवल जुमला थोड़े है। अरे मंत्री जी बाकायदा करके दिखाए हैं, यहाँ कोरोना के चलते पढ़ाई लिखाई परीक्षा भर्ती सब बंद है, वहाँ नियुक्ति भी हो गई। अब कौनो आम कैंडिडेट तो है नहीं जो भर्ती में सालों लगे। कोटा भी तो गरीबी के साथ मंत्री वाला है। यूनिवर्सिटी के बड़े वाले साहब को कच्ची गोलियां थोड़े खेले हैं, पहले अपना कार्यकाल बढ़वाए तब जाके ठीक अगले दिन नियुक्ति पत्र पकड़ाए। लोग बता रहे हैं कि गरीब वाले भाई साहब खुद अकेले ही प्रोफेसर नहीं है बल्कि इनकी निजी पत्नी भी बिहार में सरकारी प्रोफेसर है। अब नियम से तो गरीब वो है जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम हो। दो प्रोफेसर की कुल सालाना इनकम 8 लाख से कम होने के लिए तो अंकगणित को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है तमाम नए फार्मूलों का भी आविष्कार करना पड़ जाए। वैसे ये गरीब भाई साहब चलते भी नोवे से हैं। बताइए देश कितना तरक्की कर लिया है, यहाँ का गरीब भी अभी नोवे चलत है। ऐसी गरीबी देख के तो अमीरी को जलन होने लगी। कह रही है अब तो लोग उसका मजाक बनाने लगेंगे, असली वाला गरीब बेचारा उसाद में चला गया। अरे गरीबों सीखो, इनसे कुछ सीखो, ऐसा होता है असली गरीब। इधर विरोधी पार्टियों के हाथ बटेर लग गए, सब लपलपाने लगे, सीधे मंत्री जी का इस्तीफा मांग लिए। तमाम तो कह रहे हैं कि ये सरासर नाइंसाफी है, कायदे से तो ये नौकरी उनके भाई को मिलनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा ही जोश में आ गए। आप किस बात के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? साथियों, हम सभी सीवाईएसएस के साथी अपने घरों से योगी सरकार के शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, जो कि गरीब सवर्ण साथियों के लिए रिजर्व कोटा होता है, रिजर्व कोटे में मंत्री जी द्वारा अपने भाई को सरकारी भर्ती सरकारी नियुक्ति में सरकारी नौकरी दिलवाने के विरोध में, हम मंत्री जी के विरोध में हम सभी अपने घर से इनका विरोध कर रहे हैं। और हम सभी मांग करते हैं कि मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट तरीके से गलत तरीके से गरीबों के हक खाने का काम किया है और जो सवर्ण गरीब है उनके हक का खाया है। जो सबका साथ सबका विकास का योगी सरकार का नारा था, उन्होंने क्या किया है कि सबका साथ सबका विकास ना करके सबका साथ अपना विकास का काम किया है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी मांग करते हैं कि माननीय मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और जो नियुक्ति की गई है इस नियुक्ति को रद्द किया जाए, यही हम सबकी मांग है, जिसमें हमारे सभी सीवाईएसएस के प्रदेश साथी और जिले के सभी साथी शामिल हैं। सही है, भाई तो उनके भी हैं। वैसे केजरीवाल दिल्ली में तो झाड़ू लगा ही चुके हैं, अब यूपी में भी झाड़ू लगाना चाह रहे हैं। आपका संजय सिंह तो एकदम ही अंतर्यामी निकले। 17 को बोले थे कि मोदी जी रोने वाले हैं और 21 को मोदी जी वाकई में रो दिए। यूनिवर्सिटी वालों का इसमें रोल है ये नहीं, ये तो बेचारे निर्दोष निष्कलंक निष्पाप हैं। वो तो कह रहे हैं कि मीडिया ने बता दिया, वरना उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि सज्जन मंत्री जी भाई है। लेकिन जिसने भी भाई साहब को गरीबी का सर्टिफिकेट दिया है बहुत दिलेर आदमी है। इनोवा से चलने वाले प्रोफेसर को गरीबी वाला सर्टिफिकेट देना कोई हंसी खेल थोड़ी है।
लेकिन भैया इन मौके पे प्रोफेसर साहब का जमीर जाग उठा, कागज कलम उठाए, इस्तीफा लिखे और झोला उठा के चल दिए। यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी इतना तेज निकला कि प्रोफेसर साहब इधर इस्तीफा लिखे उधर स्वीकार। अब जब इस्तीफा दे ही दिए हैं तो फिर काहे का हल्ला मचाना, जिस गरीब की जगह छीनी थी उसको मिल ही जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी को नई भर्ती में एकदम चौकस रहना पड़ेगा, वरना कहीं फिर किसी का भाई निकल आया तो। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनैतिक मंतव्य है।